Hello student, this is me Pushkar Vaish. Today I am going to teach the first chapter of your book Science. Chapter 1, Matter in our surrounding. Matter is the substance which have mass. Matter एक substance है जिसमें कुछ mass हो. Matter को हिंदी में कहते हैं पदार्थ. Mass को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान. अब द्रव्यमान या mass क्या है? Mass is a combination of the total number of atoms. मास जो है कॉम्बिनेशन है टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम से वो मिलकर बना हुआ है. मास इज यूजुअली मेजर्ड इन केजी, केजी में किलोग्राम. मास को हम केजी में नापते हैं. एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वह कुछ भी थोड़ा बहुत ही कहीं कुछ स्पेस को घेर कर रखे. एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, जो मैटर होता है वह टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है. एग्जाम्पल एयर, बोल्ड, पैन, प्लैनेट एक्सेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट, They are continuously moving. ये permanent continuously क्या करते हैं? Move करा करते हैं. They having space between them. इनके बीच में थोड़ा सी जगह पाई जाती है, इसी वजह से ये क्या करते रहते हैं? Permanent continuously moving करते हैं. Next point, they attract each other. ये एक दूसरे को move करने के लिए attract करते रहते हैं. They attract to each other या they attract each other. They are continuously moving. Point number one. जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? परमानेंट मूव करते हैं. पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी, जो भी पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होती? काइनेटिक एनर्जी होती. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है. ये हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे. यहाँ पे हम एक ग्लास लेंगे पानी से भरा हुआ, उस पानी को हम थोड़ी देर रखा रहने देंगे और वह पानी एकदम शांत हो जाएगा, हिलना डुलना बंद कर देगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा. तब हम एक इंक ड्रॉप को लेंगे और पानी में छोड़ेंगे. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है, इंक फैलना अंदर शुरू हो जाएगी, जिसे आप विजुलाइज कर पाएंगे कि पानी में क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है. मतलब दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, द पार्टिकल ऑफ अ वाटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. द मूवमेंट इज मैक्सिमम इन गैसेस, मोर इन लिक्विड, मिनिमम इन सॉलिड. सबसे कम सॉलिड में होती है, सबसे ज्यादा आपकी लिक्विड में होती है और सबसे ज्यादा आपकी गैसेस स्टेट में पाई जाती है. Point number two, particles move, particles of matter having space between them. जो भी particles होते हैं उनके बीच में space पाया जाता है, ये हम एक activity के द्वारा समझेंगे. When we add a spoon full of sugar, एक चम्मच पूरा हम sugar या salt, sugar और salt लेंगे to a glass of water, एक water के glass में form डालेंगे. The water level of water remains constant. After mixing it well, अच्छे से मिला देने के बाद जो वाटर लेवल होगा remains constant. Water level of water remains constant. हमारा water level का जो level है वो बराबर रहेगा, before और after दोनों में ही एक जैसा ही रहेगा. Therefore, we have seen that the water level of water has become equal as before. दोनों ही बराबर हैं पहले की तरह. This means that there is space between particle of matter. ये दिखाता है कि हमारे particle जो है उनके बीच में थोड़ा सा space पाया जा रहा है. The space between the particle minimum in solid. ये space solids में बहुत ही कम होता है, more in liquid. Liquid में और ज्यादा, maximum in gaseous state. यहाँ पर हम देखेंगे कि water है, water में water level को हमें mark कर लेना है और यहाँ पे sugar और salt दोनों में से हम कोई भी चीज ले सकते हैं. A spoon full of sugar और salt. यहाँ पे आप क्या करेंगे? Well mix करेंगे. तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी sugar add हुई है या salt add हुआ है, और उसके बाद में देखेंगे वाटर लेवल आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो भी हमने मिक्सअप करा है पार्टिकल्स का, वो यहाँ पे जाने के बाद
फुल्ली मिक्स हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर मैटर के बीच में स्पेस पाया जा रहा है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। भैया एक्टिविटी नंबर थ्री या कैरेक्टरिस्टिक नंबर थ्री, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। ये अट्रैक्शन फोर्स जो है पार्टिकल में पाया जाता है, वो मैटर एक मैटर से दूसरे मैटर में ये वैरी करता है, एक जैसा नहीं पाया जाता है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि हमारा आयरन रॉड में लोहे की छड़ में ये क्या है, ज्यादा पाया जाता है, वही हम कांच की छड़ लेंगे तो वो कम स्ट्रांग होगी, उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है, कम रहेगा। द मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो हमारे चारों ओर पदार्थ हैं, वे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। एंड द पार्टिकल आर मेड अप ऑफ एटम। और जो पार्टिकल हैं, वो किससे मेड अप हैं? वो आपके एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। सो वी कैन से दैट That all these are bound due to attraction. तो हम यह कह सकते हैं कि ये सभी bound हैं, बंधे हुए हैं। किसके कारण बंधे हुए? Due to the attraction. That is, particle of matter attract each other.